दोस्तों साथियों, आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैंने क्या आइडिया आज निकाला है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या किया है। संधि पढ़ाऊंगा आज हिंदी की, ठीक है ना। और मैंने पहले ही नोट यहाँ पर कर दिया जिससे कि आपके भी समय की बचत हो और आप अच्छे से सीख भी पाओ, मैं अच्छे से समझा भी पाऊँ। जो वीडियो 1 घंटे में जो टॉपिक खत्म करूंगा मैं, वो 10 मिनट में या 15 मिनट में, 10-12 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। तो आपके 50 मिनट दोस्तों बचेंगे, उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा, है ना। तो आपके फायदे के लिए ही मैंने ये नोट पहले ही किया है जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो जाए समझने में भी और नोट करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है ना, जैसे कि मैंने तैयारी की थी तो सब इसी तरह से पढ़ा था, इसी तरह से मेरे नोट्स भी बने हुए हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से, जो बंदा तैयारी करता है वो सब जानता है कि टाइम की वैल्यू क्या है यूपी पुलिस में, है ना। अगर आपको टाइम बचाना है तो ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे आप लोग जो बताओगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा, आप कहोगे मैं एक एक पॉइंट लिख के बताऊं, मैं वैसे भी पढ़ा सकता हूँ और मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, इससे ही आपका टाइम बहुत कम जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब समझाना स्टार्ट करते हैं। देखिए संधि, संधि एक चैप्टर ऐसा है कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक तो 100% आता है, इसलिए मैं संधि बताऊंगा और कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो हिंदी साहित्य सबसे पहले आप जान लो, यूपी पुलिस 40,000 वैकेंसी आएगी, सभी को पता है। दोस्तों ट्रिक भी बताऊंगा मैं, क्या ट्रिक है, संधि 2 नंबर पक्के, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 नंबर पक्के। नोट करो, संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। संधि 3 प्रकार की होती है, संधि, संधि के प्रकार जान लो, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और जो क्वेश्चन आपका कहाँ बनता है पता है, तीनों से नहीं, स्वर संधि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्वर संधि से ही आपके अधिकतर बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वर संधि एक ऐसा, इसमें से तीनों में से मान सकते हो आपकी 100% इसी में से आता है। क्यों, आप इसके रीजन बताता हूँ। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्रकार 5 हैं, स्वर संधि के प्रकार 5 हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनेगा, 99% क्वेश्चन इसी से बनता है, और अदर जो जो एग्जाम होते हैं, जो हार्ड एग्जाम होते हैं, उनमें बनता है विसर्ग संधि या जो भी, लेकिन बताऊंगा तीनों में, दिक्कत ना लो आप लोग, ठीक है। तो स्वर संधि के 5 प्रकार आपने जान लिया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। एक बार ध्यान से नोट्स बनाते रहना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की संधि हो गई हमारी, वो भी स्वर के अंदर। अब यहीं पर हमें काम करना है बहुत, ये IMP है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। और ये 2-2 सेकंड का मात्र खेल है, मैं आपको 2 सेकंड में ही बता सकता हूँ कि हाँ आप लोग देखते ही पहचान लोगे। आपको एक वो वर्ड देंगे, एग्जाम कैसे आता है पता, वो लोग आपको वर्ड देंगे, जैसे सुरेंद्र उन्होंने दे दिया, आपको पूछ लेंगे इसमें कौन सी संधि है, और ये 4 ऑप्शन होंगे, इसमें 5 में से कोई 4 ऑप्शन होंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सुरेंद्र में कौन सा, तो वही आगे आने वाला है दोस्तों, भाई उसी में मैं आपको बताऊंगा कि सुरेंद्र आए, नरेंद्र आए या महर्षि है, कोई सा भी वर्ड उठा लो, लेकिन आप पहचान लोगे देखते ही, ऐसे कहोगे देखते ही ये ठीक है, ठीक है ना। तो स्वर संधि आप पहचानने की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्वर संधि, कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं और किस तरह से इसकी दोस्तों ट्रिक है कि आप कैसे पहचानोगे कि हाँ इस चीज का यही है, ठीक है ना। मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा, आप लोग टेंशन ना लो, बस बने रहो वीडियो में, है ना। अब दोस्तों आप सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, स्वर संधि के 5 हैं, आप सभी को पता है यहाँ 3 हैं, कोई दिक्कत नहीं। दीर्घ संधि दोस्तों, ये दीर्घ संधि, आपको दीर्घ संधि के बारे में बताऊं तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, दीर्घ संधि की इसमें बड़ी मात्रा का बोध हो तो वहां दीर्घ संधि होती है। अब आप सोचोगे सर बड़ी मात्रा का कैसे बोध हो, कैसे पहचानो, ठीक है ना। दीर्घ संधि उसे कहते हैं जिसमें बड़ी मात्रा का बोध हो वहां संधि होती है, ठीक है ना। बड़ी मात्रा याद रखना, बड़ी मात्रा का बोध हो वहां दीर्घ संधि होती है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे नवागत, भानुदय, परीक्षा, रविंद्र, मैंने ये 4 आपको इसीलिए दिए उदाहरण जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। अब नवागत, नवागत में आप देख रहे हो बड़ा आ का मात्रा ये बड़ा आ, ठीक है, ये देखो बड़ी बड़ा आ का मात्रा ये, भानुदय बड़ा आ, भानुदय नू देखो नू बड़ा ऊ, ठीक है, यानी कि बड़ी मात्रा, यानी कि बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा आ, देखो बड़ा परीक्षा में बड़ा आ, परीक्षा में री में बड़ी ई, रविंद्र में बड़ी ई, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं दोस्तों दीर्घ संधि। आई होप आप सभी लोग समझ पाओगे कि आज के बाद आप लोग अब प्रैक्टिस करना, ऐसे पढ़ो लिख के देखना, और जहाँ आदित्य की बुक होगी उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं चाहता बहुत सारे समझाता, लेकिन जो 4 ऐसे हैं वो सेम टू सेम ऐसे सब दिखने वाले होंगे, ठीक है। तो यही है नवागत में बड़ा, भानुदेव यानी कि बड़ी की मात्रा का बोध हो, सिंपल सी बात है, दीर्घ संधि कहलाती है। दीर्घ में लिख लेना बड़ी, दीर्घ यानी कि बड़ी, यानी कि दीर्घ बहुत बड़ी, तो वहां पर दोस्तों ये आपकी ट्रिक काम करेगी, ठीक है। बड़ी मात्रा का बोध हो
तो आप देख सकते हो नवागत भानुदय परीक्षा रविंद्र, आप पहचान लोगे बहुत अच्छे से। अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपने इतना सुन लिया, अब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब दोस्तों गुण संधि की बात करें, गुण संधि की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या है, किसी भी शब्द में एक ही मात्रा ओ की, देखो एक ही मात्रा और ओ की मात्रा का बोध हो वहां गुण संधि होती है। ए और ओ की मात्रा का जहां बोध हो वहां गुण संधि होती है, गुण संधि याद रखना, गुण संधि, ठीक है। जैसे विरोदय, विरोदय परमेश्वर महोदय नरेंद्र। अब देखो ध्यान से देखना दोस्तों, विरोदय विरोदय आप कहोगे सर यहाँ बड़ी की मात्रा आई है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यही तो चीज है, वो यही तो देखते हैं, मतलब बस यही तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि विरोदय, चलो मानो ये तो आ गई तो इस हिसाब से या तो ये दीर्घ चली जाएगी, लेकिन फिर ये कहाँ ले जाओगे आप भाई, इसको भी तो रो को भी तो याद रखो, इसको कहाँ लेके जाओगे। तो बड़ो ओ मतलब कि ओ की मात्रा आ रही है ना, तो ओ की मात्रा, तो दोस्तों वहां होगा हमारा गुण संधि, परमेश्वर में एक ही मात्रा, ठीक है ना, महोदय में ओ की मात्रा, नरेंद्र में एक ही मात्रा, आप लोग देख सकते हो नरेंद्र में एक ही मात्रा, महोदय में ओ की मात्रा, परमेश्वर में एक ही मात्रा, विरोध में ओ की मात्रा, तो वहां पर गुण संधि होगी। इसलिए मैं कहता हूँ एक वर्ड देखोगे ना उसमें कई संधि होंगी, लेकिन जो अच्छी संधि होगी आप उसी को पहचानना है, ये बस यही प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कि विरोध है, देखो पहचानोगे तो ऐसे ही दोस्तों, है ना, अब दीर्घ तो लगा नहीं दोगे, बी को देख के बड़ी की मात्रा आएगी तो हर वर्ड में आएगी, बस यही पहचानना, विरोदय परमेश्वर महोदय नरेंद्र। वो ज्यादा हार्ड नहीं बनाते एग्जाम, वो इस तरह से एग्जाम्पल देंगे कि आप लोग पहचान पाओ, ठीक है। अब वृद्धि संधि में दोस्तों आते हैं, वृद्धि संधि इसकी ट्रिक क्या है, किसी भी शब्द में दो मात्राएं लगी हों, किसी भी शब्द में दो मात्राएं लगी हों। आप कहोगे सर ये तो आसान हो गया, हाँ जी बिल्कुल आसान हो गया, जैसे कि गुड़ में एक संधि होगी ना, एक संधि ओ ए ओ ए। अब मैं कहता हूँ गुड़ को वृद्धि कर दो दोस्तों, गुड़ में वृद्धि हो गई, मैं कहता हूँ तो चीनी है उसमें वृद्धि हो गई, यानी गुड़ में वृद्धि हो गई। दोस्तों जैसे मैं पढ़ा था वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप भी समझ पाओ मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, आप भी नोट्स बना पाओ, और जो मेरा सीखने का तरीका था आप भी वो सीख पाओ, 37/37 हिंदी में लेके आओ, ठीक है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि जैसे ट्रिक में बताई चुका, किसी भी शब्द में दो मात्राएं लगी हुई, जैसे सदैव, सदैव में क्या है दोस्तों, ए पे दो मात्राएं लगी हैं, ठीक है ना, दो मात्राएं, जहां ये दो मात्राएं मिल जाएंगी आपको, सदैव एक एक दतोष्ट बनौषधि, दो मात्रा जहां देखो ए है यहाँ पर, ओ की ए ए ये ए ए पारा मतलब कि एक पे, और दतोष्ट में यानी कि दतोष्ट में ओ पे, ओ साफ साफ बता चुके हैं, ओ और ए पे जहां दो मात्रा लग जाए वहां आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। गुड़ में ओ और ए पे जहां एक मात्रा लगी हो, देख सकते हो गुड़ और ए पे जहां ए मात्रा लगी हो वहां गुड़ संधि होगी, और वृद्धि में वही उसके अपोजिट हो जाता है, इसमें वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो सिंपल बात है दो से लग जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, तीनों ना समझ में आई हो तो मुझसे फिर से पूछना, लेकिन आई होप तीनों आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। कमेंट में भी पूछ सकते हो कि सर मुझे ये समझ में ना आई, तो मैं आपको बता दूंगा पूरी पूरी आप, लेकिन मेरे हिसाब से आप अच्छा समझ रहे होगे इस चीज से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यण संधि, यण संधि में क्या है, यण संधि की ट्रिक क्या है, पहले ये देख लीजिए, शब्द में या रा हुआ के पहले आधा शब्द लगा हो तो वहां यण संधि होगी। जैसे कि यण संधि दोस्तों ध्यान से देख लो, बिल्कुल यण संधि की ट्रिक क्या है, शब्द में या रा हुआ के पहले आधा शब्द लगा हो तो वहां यण संधि होगी। अब कैसे होगी आप लोग देख लो, यारा हुआ ये तीन वर्ड याद रखना, इसके सीधा सीधा यड़ से संबंध है, यड़ संधि से। जैसे क्या दोस्तों, इत्यादि, एक वर्ड उठाया इत्यादि, उन्होंने दे दिया चार ऑप्शन देगा इत्यादि, और होंगे तीन ऑप्शन, अब उसमें पूछेगा इसमें यड़ संधि कौन सी, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है। तो दोस्तों देखो आधा ता के या के आगे जस्ट आधा ता लगा है, यानी कि आधा ता और या, इत्यादि, तो देखो या मिल रहा ना या में, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर इत्यादि होगा, ठीक है ना, मतलब कि यड़ संधि होगी। प्रत्येक में आधा ता लगा या के पहले, तो यानी कि या मिल रहा है ना, तो यड़ संधि होगी। स्वागत आधा वा के आगे आधा स्वा मिल रहा है ना, तो कहने मतलब हमारा क्या होगा यहाँ पर, यड़ संधि होगी। तो ये चीज ध्यान से देख लो, और रा के आगे मैं आपको दूंगा दोस्तों, मैं इसका अभी दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, आप उसको वीडियो में कमेंट में जवाब देने, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यड़ संधि, यड़ संधि समझ में आई दोस्तों, पहले एक बार बता देते हैं ना, मतलब कि सॉरी उसमें आप कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पूरी समझ में आई वीडियो, है ना। तो इसलिए मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों कि आपके समझ में भी आए। अब दोस्तों पांचवी अगर लास्ट बात करें तो अयादि संधि, अयादि संधि दोस्तों बहुत ही आसान, सबसे अयादि संधि है, कैसे, अधिकतर शब्द तीन अक्षर के होंगे, मतलब कि तीन अक्षर, अधिकतर शब्द तीन अक्षर के होंगे। ट्रिक इसकी क्या है दोस्तों अयादि संधि की, आए ए अब आव उच्चारण होगा,
आए अय अब आओ का उच्चारण होगा, सॉरी का उच्चारण होगा, जैसे जैसे दोस्तों देख लो एक बार, शयन नयन गायक नायिका पावक। अब देखो शयन में शयन अयन अयन आया आ रहा ना, शयन तो आया, देखो आया, देखो आया आया, सॉरी आया, और नयन आया, देखो नयन आया, नयन गायक आया आया दोस्तों, गायक आयक आए आए, देखो आ रहा दोस्तों। अब नायिका, नायिका में नायिका नायिका आए बोला जाता है, आया आया, पावक पावक आव पावक आवक, पावक को आवक नहीं कहते यार के लोग, पावक तो आओ, देखो दोस्तों आया। तो ये दोस्तों ट्रिकें थी कि आप संधि, और यहीं से क्वेश्चन बनता है 100% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि ये उसके अंदर ये चार पांच जो भी मैंने बताए हैं पांचों इसमें से ही क्वेश्चन आता है। अब आपको दोस्तों अच्छे से ये चीज लिख के रखनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, और फिर आप देखना कि जब एग्जाम में बैठो ना, और जब आपका 100% इसमें फिट हो जाए, तब आप कहोगे सर अरे वाह मेरा तो डाइट फंस गया, और देखते ही पहचान लोगे कि सर अरे वाह क्या बात है। तब दोस्तों जब ना बाद में मेरिट जब लगेगी, अब इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूँ, जिसने लिख लिया हो ना तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब मैं कुछ बातें दोस्तों जो आपको फैक्ट है वो मैं बताऊंगा, अभी मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, क्या फैक्ट बताने वाला हूँ अभी आप जान लीजिए अच्छे से दोस्तों। ऐसे दोबारा दिन तो मिलने को रहे नहीं आपको, है ना, और ये लास्ट चांस है, याद रखना 4 साल वैकेंसी कोई फिर नहीं आएगी, 4 साल बाद, 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, आप सबों को पता है। अगर इस बार आप सिलेक्ट हो गए तो 2023 में ट्रेनिंग पर जाओगे, 2023 आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना, 2023 ट्रेनिंग, 2023 में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद कहीं 2024 या 2025 में वैकेंसी आएगी, न्यू न्यू वैकेंसी आएगी, ठीक है, 2024 या 25 में न्यू वैकेंसी आएगी, आएगी कोई जरूरी नहीं है आएगी ही, 26 भी हो सकती है, लेकिन 2024-25 में लगा सकते हो कि वैकेंसी आएगी। तो लेकिन दोस्तों ये मौका आप क्यों जाने दोगे यार, जो देखो ओवर एज होगा उनको एज काउंट में दोस्तों एज काउंट होगी वो, सॉरी, तो उसमें एज रिलेशनशिप मिलेगा सबको, आप लोग दिक्कत ना लो, है ना। और दोस्तों यही अच्छा है, पता है जब क्या होता है, जब वो 2.5 गुना बुलाते हैं ना मेरिट में, 2.5 गुना, 2.5 गुना जब वो बुलाते हैं और उसमें सिलेक्ट आप भी हो, उसमें नाम आपका भी हो दोस्तों ना, तब लिस्ट में ऐसे सब चलते हैं ना, और एक नाम आपका भी हो, तब यार फील इतना अच्छा होता है ना कि कहोगे अरे सर क्या बात है मेरा नाम आ गया दोस्तों। वो खुशी का पल लाने के लिए ना आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुशी का पल जब मेरी लाइफ में आया था तो मुझे इतना फील अच्छा हुआ कि मैं रात के 10-11 बज रहे थे, मैं लोको पायलट की तैयारी कर रहा था, मैं और मेरा भाई एक है, तो हम दोनों लोग तैयारी कर रहे थे दूसरे घर पे, हमारे 2 घर हैं गाँव में। तो दोस्तों जैसे ही यूपी पुलिस का एग्जाम आया, मैं चक्कर में पड़ गया आएगा नहीं आएगा मेरा नंबर, तो लिस्ट में मेरा भी नाम आया जब ना, तो एडमिट कार्ड निकला, अगले ही दिन DVPST थी, इतना खुशी का पल। मैं रात के 11 बजे हम दोनों भाई गए मम्मी पापा के पैर छू जाके, मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई, फिर हम लोगों ने मिठाई भी बांटी, बहुत अच्छा दोस्तों फील हुआ मुझे, मैं जानता हूँ कैसा अच्छा फील हुआ, पूरी कभी चीट डिटेल में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आप लोग जान लो अच्छे से कि ये चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है ना भाई, पढ़ाई करो मेहनत करो तभी आप लोगोगे, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद।